ये देखिए, यहाँ पे पूरी पुलिस ने पूरी बैरिकेटिंग कर दी और हमारे बहुत सारे लोगों को, हजार दो हजार लोगों को तो डिटेन कर चुके हैं, चाहे वो हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, कहीं पे भी हो, उनके घर पे पुलिस बैठा दी है। और जो लोग बोल रहे हैं ना कि आज ब्रजभूषण के भाई मैं 15 लाख आदमी इकट्ठे कर दूंगा, जिसपे आरोप लग रहे हैं उसको तो ये आजादी दे रहे हैं। और यहाँ एक जो ये देश की बेटी है जो न्याय मांग रही है, उनके साथ ही ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और आज लोकतंत्र का तो उद्घाटन कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं देश में। ब्रजभूषण का बयान आया अभी, उन्होंने कहा है कि मैंने सारी मांगे तो इनकी मान ली है, बस मैं इनसे ये वो कौन होते मांग मांगने वाले, वो कौन होते मांग, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति। वो तो बोल रहे हैं मैं सरकार को भी झुका दूंगा, हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि भाई इन बेटियों को न्याय दे दो, पोक्सो को बदलवाने की बात कर रहे हैं, वो कानून को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम कानून के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई हमें इन बेटियों को न्याय दे दीजिए। अच्छा, इसको मिनी जेल बना दिया गया तो अब आपका क्या वो है? देखिए, हम शांति, हमने पहले बोला था कि हम शांति प्रिय करेंगे, जो भी करेंगे। मैं पुलिस प्रशासन से भी और सरकार से भी अपील करता हूँ, जितने हमारे लोग डिटेन किए गए हैं उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, उनको छोड़ दिया जाए, ऐसा व्यवहार ना किया जाए। हम कोई भी ऐसी चीज नहीं करना चाहते कि भैया देश में हिंसा हो, क्योंकि हम शांति प्रिय, हम अपने इज्जत और मान सम्मान, अपनी बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि हम किसी पार्टी के या किसी और मुद्दे पर लड़ रहे हैं कि हमें जमीन दे दो, जायदाद दे दो। हम अपनी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो महापंचायत होके रहेगी, बिल्कुल होके रहेगी महापंचायत। धन्यवाद।